so hi, lucky. welcome to the rishud university. and thank you so much for coming to rishud university innovation and collaboration summit. it's always amazing to have conversation with you. i always, you know, even when i interact with the student, i keep on giving you our examples that, you know, that the level of energy which you maintain. and I, I, I know you from the campus time when you was in first year or second year of uh, Batch. so thank you so much for coming. anyway, it's more than welcome. so it's an honor to be over here. and uh, thank you so much for inviting, first of all. And again, it was a very amazing experience seeing you after a long time. It, uh, it was my, you know, one of my task list. I guess I have completed it because it's been a long time I wanted to meet you. And what wonderful then this that I'm meeting you in the, you know, this New Age University. So it, again, it's a very pleasant experience. Thank you. So uh, I guess I had uh, a lot of things over here as well, like kind of a dinners and, you know, one-to-one -one interaction with the students. So it was a pretty amazing thing.

Uh, मैं स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी नहीं था दो महीने का ब्रेक था एज़ लाइक कि क्या करूँ क्या करूँ देन आई वाज लाइक कि यार मेरे को किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं एजुकेशन काउंसलिंग में ज़्यादा था एंड आई वाज यूज़ टू टॉकिंग टू पेरेंट्स सो इज़ लाइक कि मैंने फर्स्ट uh, ईयर uh, के ब्रेक में ही आई स्टार्टेड विद वेरी स्मॉल ऑफिस तो वहाँ पर क्या था कि मैं किसी पर्सन के पास गया था मैंने देखा उसके साइड वाला ऑफिस खाली पड़ा है इज़ लाइक कि वाई नॉट आई टेक इट तो मैंने लग कि ऑफिस तो ले लेगा ले फिर तो करेगा क्या तो so mm -hmm. लाइक यार मैं थोड़ा काउंसलिंग कर सकता हूँ आई बिलीव एंड मेरे को नॉलेज किस चीज़ की मैं सोचा नॉलेज किस चीज़ की काउंसलिंग क्या करूँगा मेरा में हुआ है आई इन so, जोसा ओके okay. तो मैं वहां पे वो काउंसिल करने लग गया okay. तो मैंने फरीदाबाद में काफी को उस बुलाया you know, फरीदाबाद में ज्यादा तो छोटे लेवल पे ही कर रहे थे तो फरीदाबाद में अगर किसी को भी प्रॉब्लम कि बच्चे को कहाँ जाने किस कॉलेज में जाने तो कम टू मी तो वो काफी अमेजिंग जर्नी थी उसमें कहता था कि दो बंदे भी एक्चुअली आ गए थे आसपास के यू नो एक साइड में ऑफिस फेस था एक दो बंदे मिल गए थे उनको कॉलिंग पे लगा दिया था तो एक बहुत ही छोटा सा एक्सपीरियंस था जहाँ पे मैं कुछ हेड कर रहा था तो वहां डिफाइनिंग एवरीथिंग कि मैं क्या पिच करूँ आई वाज अ काइंड ऑफ पर्सन जो मैं कभी रिटर्न करके नहीं जाता कोई स्क्रिप्ट mm -hmm. को तो जब एकदम से आपको क्वेश्चन आए तो सोल्यूशन एंड एट दी एंड द क्लाइंट वॉज हैप्पी

तो उस टाइम पे मैं चार्ज भी ऐसे देख के करता था कि जो सा जिस बड़ी गाड़ी में आ रहा है उस हिसाब से उसको चार्जिंग बताता था ओके okay. तो जितनी बड़ी गाड़ी है उतनी बड़ी मेरी चार्जिंग होती थी okay. तो अब बिजनेस मॉडल तो पहले ऐसा ही बनता है राइट right, आपको right. कैसे पता चलेगा कितना चार्ज करना बिकॉज यू आर द न्यू गाय तो उस टाइम पे एक अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि यार धंधा कर सकते हैं hmm. बिकॉज आपको बोलना समझ में आ रहा है एंड आई गेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट है पेरेंट्स से बात करी तो पता चला एजुकेशन लाइन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ये भी पता चला बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो एक्चुअली में नॉलेज डिलीवर कर रहे हैं विदांतु है सारे बट स्टिल बच्चे इतने घबराए हुए हैं सेट so कि यार एजुकेशन में कुछ करते हैं फिर थर्ड ईयर में वैन आई वॉज इन थर्ड ईयर देन आई हैड अ क्लियर आइडिया कि यार uh, कितना भी एक्जक्टली मैं कोर्सेज इंडस्ट्री में चला जाऊँ आज के टाइम में बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कोर्सेज देते हैं जो बूट कैम्प देते हैं वर्कशॉप देते हैं लॉट ऑफ प्लेयर्स आर देयर एंड देर एक्चुअली आम नॉट सींगट दे आर नॉट डूंग गुड जॉब दे आर एब्सुलुटली डूइंग द गुड जॉब आई दम सेल्स ऐसे नहीं कह सकते कि इको सिस्टम को चेंज नहीं करे दे आर ट्राइंग देर बेस्ट देयर पोटिंग द मनी दे आर मेकिंग कोर्सेज दे आर हैविंग गुड मेंटर्स एज वेल बट अभी भी कुछ है

इसके जैसा बन mm -hmm. ऐसे बिल्कुल यू नो mm -hmm. एकदम माइटियस्ट प्लेयर बन लाइक कि आई एम ट्राइंग टू बिकम लाइक दिस तो मुझे उस टाइम पे देख रहा था अर्जुन के साथ भी एक मेंटर था कृष्णा इवन बीइंग अर्जुन वन ऑफ द दाइटीएस्ट प्लेयर कृष्णा फिर भी था टू मेंटर टू रियलाइज अर्जुन की उसका एक्चुअल में पोटेंशियल क्या है उसके लिए आप कितने ही बड़े आदमी बन जाओ आपको कितनी ही ज्यादा नॉलेज हो थ्रू कोर्सेज बोर्ड और कुछ भी यू नीड समन टू रियलाइज योर ओन पोटेंशियल टू बी योर ओन कृष्ण सो दैट्स वट वी वॉन्टेड टू बिकम ये वजन मेरे माइंड में थर्ड ईयर में आया था कि लेट्स गिव एवरी वन दैट पर्सनलाइज मेंटर एक्सपीरियंस हर किसी को खुद का मेंटर देता हूँ

कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जा सकती है उसको बस कैटेगरीज फिल करने की मुझे इस इस डोमेन का बंदा चाहिए ये कैटेगरी चाहिए ये एक्सपीरियंस चाहिए ये टाइम फ्रेम पे चाहिए प्लीज हेल्प मी कनेक्ट विद दिस पर्टिकुलर गाय गायव हम प्लेटफॉर्म हिम द बेस्ट फर्स्ट ऑप्शन कि ये सारे बेस्ट फिट ऑप्शन है ये सारे अवेलेबल है विद दिस मच रिन नॉट डिपेंड्स अपॉन यू सो ये एक तरीके का एक क्लूपोल है जो हम फिक्स करना चाह रहे हैं कि हर किसी को एक एक्सेसिबिलिटी हो एक अच्छे नेटवर्क के पर्सन से कनेक्ट करने की सो दैट दे कैन एक्चुअली बिकम वट दे एस्पायर एंड उन्हीं लोगों से बात करें रैदर देन अ काउंसलर और सो इसके लिए अगर उसको बाहर जाना है तो आज के टाइम पे काउंसलर इतने कंसल्टेंट इतने बैठे चार चार पाँच पांच लाख रुपए चार्ज कर लेते हैं यू कनेक्ट विद द पीपल जो ऑलरेडी बाहर बैठ के पढ़ रहे हैं बॉस्टिन यूनिवर्सिटी में लंडन बिजनेस स्कूल में बैठ के पढ़ रहे हैं सीधा बात करो आपको कोई यू नो स्टार्टअप आप स्टार्टअप स्टार्ट start कर रहे हो आपको पता है कि आप यू गुड इन सेल्स मार्केटिंग के लिए आप किसी यू you नो know, किसी एक्सपर्ट को हायर करो बारह पंद्रह लाख लो कैपिटल का इन्वेस्टमेंट करो इतना तो पैसा होता नहीं है स्टार्टअप चलाते हो सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव अ सेल्स एज अ मेंटर

Okay. ऐसी बात नहीं है कि उसी दिन आया था okay. <laughs> ये था हर दिन आता है कि भाई आप अपने दोस्तों का स्टेटस देखते हो आ. मैं देख रहा हूँ इतनी मस्त जिंदगी आज फोन पे बात करी या सॉरी सॉरी साइबर हब पे था okay. तो वो आपको हर इंस्टेंस में मिलता है ऐसा नहीं okay. वो झूठ होता है जो बोलते हैं भाई मेरे को तभी हुआ था मेरे को हर दिन होता है ओके okay. बट ये है कि मैं हर दिन बाहर भी निकलता हूँ okay. वो एक पोटेंशियल है जो आपको अंदर डालना पड़ता है एक hmm. तरीके से ना यू नो यू हैव टू मेक योरसेल्फ एक इंजेक्शन टाइप का हर दिन डालना पड़ता है दिस इज योर मोटिवेशन इंजेक्शन जो आपको हर दिन कहीं ना कहीं hmm. से अपने अंदर डालना पड़ता है अब ये जितना आप अपने आप को हैबिट डलवाते रहोगे ना इस चीज की hmm. अब तो ऐसा हो गया है कि मैं चाह के भी वहां नहीं जा सकता बिकॉज़

वो तब तक सही राह पे नहीं आ पाएगा मेरे अकॉर्डिंग hmm. तो मेरे को काफी जल्दी पता चल गया था सही में कोई बताने वाला नहीं होता hmm. तो अभी आ, एक तरीके से हर दिन का इंजेक्शन मोटिवेशन डालना पड़ता है एंड hmm. वो धीरे धीरे इंस्टेंसेस से आता है जब आप अपने लिए ना एक पूरा स्टेबलाइज चैनल बनाते रहते हो hmm. जैसे पहले आपने टीम बनाई टीम आप पे रिलाई करती है हर दिन जाते हो टीम ऐसे देखती है जैसे आज तो कुछ कुछ तो ऐड कर कुछ तो नया चेंज कर आपके माइंड में भी होता है कि यू यू नीड नीड टू टू डेवलप ग्रो टीम भी है देन यूर वर्किंग ओवर एन आइडिया आपको अपना हर दिन आप इसमें यू नो इनपुट डाल रहे होते तो 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 hmm. sure तो हर दिन का मोटिवेशन ऐड करना होता है hmm. बस एक होता है कि जब इनिशियली जब एक बार एंटर करना होता है ना तो वो एक स्पिरट से ही होता है मैं गयार गयार बच्चों के साथ भी डिस्कस कर रहा था आज काफी बच्चों hmm. के साथ मैंने डिस करा कि वो स्पिरिट लाना बहुत जरूरी होता है hmm. एक बार एंटर कर लो एंड हैव दैट एबिलिटी टू स्टे वो बहुत डिफिकल्ट स्टे करना इज वेरी 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 डिफिकल्ट वो कुछ लोग होते हैं जो स्टे कर पाते हैं एंड मेंटेन करो ऐसा कोई माइका लाल नहीं है जो सीधा बैठ के ऊपर पहुंच गए तो गिर भी जाएगा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है बट अगर वो कॉन्टिन्यूटी पे टिक गया ना तो वो खेल जाएगा गेम तो इट्स नॉट आज के टाइम पे स्टार्टअप में बहुत इन्वेस्टमेंट गेम चल रहा है लिया उठाया बाद में रियलाइज हुआ कि यार ही नहीं चल रहा लॉर्ड ऑफ वेल यही प्रॉब्लम है घुस रहा हूँ ना तो मनी इन्फ्यूज पे नहीं जाऊंगा किस दिन में पे मनी बंद हो गई तो ऐसे नहीं होगी मैं खत्म हो जाऊँ सो mm -hmm. so, अपना सेल्फ पोटेंशियल देखना है कि सस्टेनेबल बनाऊंगा सो दैट कि मैं किसी अदर आउटसाइड मनी के इन्फ्यूज़ के चक्कर में चल नहीं रहा इट्स डन ऑन माई ओन पोटेंशियल बेसिस तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं गिर जाऊँ यू हैव टू मेक श्योर दैट यू विल स्टैंड योर सेल्फ तो वो एक थाट था बस माइंड में कि अगर मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ तो आई एल मेक श्योर कि पहली बात तो एक कि एक स्टेप लेना ही लेना है एंड एक्चुअली आई हैव टू डू इट तो वो स्पिरिट बहुत सारी चीज़ों से आती है यू हैव वेरी क्लियर थाट कि यस मुझे करना है स्पिरिट लेके अंदर घुसो स्टे विद द कॉन्टीन्यूटी स्टे रखना पड़ेगा और वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है सो मी यू नीड टू अलाइन एनालाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मेक शोर दैट यू आर हाईली मोटिवेटेड सो कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करके रखो एंड एट द सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम यू विल हैव अ क्लैरिटी कि येस अब ये चीज़ सस्टेनेबल बन गई है एंड यू आर हैविंग योर ओन पोटेंशियल आपके अपने पोटेंशियल पर ही चल रही है सो नो बडी कैन यू नो गिव यू यू नो अ डाउन स्लोप राइट नाउ अब आप इससे ऊपर ही जा सकते हो बिकॉज कोई इन्फ्यूजन नहीं आया इसमें आपने अपने खुद के उस पर करा सस्टेनेबल नेचर पर सो दैट्स वॉट द गेम इज So I it guess gives you a positive thing. Yeah So I guess what I can uh, summarize from your conversation is regularity plus focus is something which is going to make you success in term of true. entrepreneurship. True. And I guess that is also true in our life also you need to be regular, you need to be focused only then you can do the things true. So uh, lucky while I'll, I was analyzing about your uh, quantal or part, I see that you always try to keep your uh, team as lean as possible.

and hiring like coming from placement domain i understand that hiring the right mindset is something which is very very important for startups True. because that's the reason probably most of the startup are failing because they are unable to make a the right team so what is your strategy while ensuring that whether this candidate can be a right fit for me because of course having a very short interaction which most of the companies do over a cup of uh, like over in a room for, uh, mm -hmm. with a 10 minute interaction you cannot decide whether this is a right fit for me and in fact for startup it is very very crucial

अगर मैं किसी अच्छी कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ मैं तो मना तो करना ही नहीं चाहिए यार सो hmm. so, मेरे को तो ऐसा लगता है कि मना करते ही क्यों लोग right. मतलब को एक कोई रिसोर्स आ रहा है आपके पास आपका धंधा बनाने के लिए धीरे धीरे और जॉब्स सो आजकल क्या है जैसे मेरे टाइम पे क्या था कि यार एक पार्ट टाइम इनकम आ जाएगी इंटर्नशिप से यार मुझे एक्सपीरियंस मिल जाएगा वो एक्सपीरियंस इसके लिए नहीं होता कि उनके रेज्यूमे में वो एक्सपीरियंस इसके लिए मेरे को जॉब मिलेगी। hmm. बस यार मुझे hmm. बहुत चलता है hmm. 40 60 like कि इसके ना आपको जॉब मिलने में ईज होती है सो hmm. so, ये फैंटेसी थिंग बच्चों में आ गई है इसकी वजह से ये इतने सारे हमें फिल्टर्स लगाने पड़ते हैं hmm. अगर कोई आइडियल बच्चा है एक्सपीरियंस वर्क विद दस फॉरेंट पीरियड ऑफ टाइम वो डेडिकेट हिस्स आई गेस मैं तो कभी मना नहीं करूंगा ओके okay. अगर इफ़ ही हैज पोटेंशियल यार वो सही में कुछ एक्चुअली में करना चाह रहा है एंड hmm. उसने अपने ऊपर वर्क करा है hmm. ऐसा भी नहीं कि मतलब बस आराम से बैठे पॉपकॉर्न खा रहे हैं और कि नहीं नहीं मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ सर hmm. तो वो तो जी कोई प्रॉब्लम नहीं यू you नो know, hmm. ये तो कोई पॉइंट ही नहीं हुआ यू हैव टू बी डेडिकेटेड बाई योर सेल्फ अपने खुद पर वर्क करो एटलीस्ट बिकम्स स्टेबल केयर हाँ

Uh, आप ये करते हो मेरे धंधे की स्टडी करके आया पूरा hmm. कि आपका बिजनेस ये है आपके बिजनेस में इस चीज में यहाँ पे जो बी टू बी है इसमें मैं क्लाइंट से बात करके एक्चुअली में आपका बिजनेस ग्रो कर सकता हूँ नाइनटी परसेंट सेलेक्टेड है hmm. वो ऑलरेडी सोच के आया है और उसको पता है कि उसको क्या करना है एंड उसकी बोलने के तरीके से पता चल रहा है द वे इज कम्युनिकेटिंग टू मी सो वो चीजें बहुत मैटर करती हैं आप अपने आप को बेचने के उससे होना है कि मतलब हाउ आई कैन एड वैल्यू हाउ आई कैन बी एन एसेट फॉर यू वो बंदा मना कर ही नहीं सकता नाइन्टी परसेंट सेलेक्टेड हो वो दस परसेंट बस ये देखेगा एटीट्यूड प्रॉब्लम तो नहीं है कि मेरे लिए दो परसेंट बिजनेस लाया तो दस परसेंट का एटीट्यूड ना एब्सोल्युटली सो so, वो बस एक दस परसेंट रह जाता है अदरवाइज इज नाइन्टी परसेंट सेलेक्टेड सो वो टाइम लगता है बिकॉज उसी के लिए एक्चुअली में थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है बिकॉज लोगों को ऐसा होता है अगर वो दस कुछ काम कर लेते ना तो उसके बाद ऐसे हो जाते हैं कि यार ये तो मैं ही रन कर रहा हूँ आई एम रनिंग दिसम मेरे को फिर ऑफिस में पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है सो दैट्स वॉट इम्पोर्टेंट कि hmm. आपको एक बार एनालाइज करना पड़ता है कि इसका बिहेवियर क्या है सो hmm. so वो ही एक आई गेस थोड़ा नाइनटी परसेंट और टेन परसेंट का गेम है अगर hmm. आप स्टेबल हो यू हैव एक्चुअली वर्कड ऑन योर सेल्फ आर वेरी क्लियर कि आपको करना क्या है आप अपने आपको बेचने के उससे रेडी हो क्या हो? आपका में आपका बेचने वाला वही है सेल्स का पूरा वो है कि जी ये मैं कर सकता हूँ आपके लिए ये ये मेरी फिगर्स है झूठ लिखोगे तो पकड़े जाओगे सच लिखोगे तो उसको अच्छा लगेगा बेच पाए तो अच्छी बात है एंटर कर जाओ तो वो आपकी स्किल के ऊपर डिपेंडेंट है तो बस मेक श्योर sure करो कि आप उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओ hmm. फलाना hmm. मुझे के absolutely, लिए. Absolutely, मैं भी दूंगा मैं देखो पैसे भी दूंगा मेरे लिए क्या फायदा है सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू तो आता ही है true, true. So वो एक पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए यार दिस इज वैल्यू एक्सपीरियंस लेने वो तो मैं लूंगा तो hmm. वो एक चीज रहती है स्टेबल बन जाओ अपने आप को बेचना सीख लो mm -hmm. उसके बाद यूल गुड क्लैरिटी बिहेवियर सही रखो कि यार हाँ मैं अगर एक्चुअली वैल्यू एड करूँ तो मेरा नेचर इज पॉजिटिव देन आई गेस इट्स आई गेस मुझे भी कोई मिल जाएगा तो आई यू नो वेरी फ्यू फ्यू पॉइंट वन परसेंट कोई अदर केस हो कि मतलब मुझे पता चले कि मेरे रिलेशन में आ रहे हैं या कुछ भी ऐसा है कोई फैमिली में आ रहा है तो कुछ हो सकता है कि मैं शायद ना करूँ बट अदरवाइज आई गेस Very clear. so that's so true like in fact i have also seen while interacting with industry people nowadays industry has started moving that like if you have two matrix one is the attitude of person and another is a competency so they prefer that attitude right attitude is more important for them because you know once once the system like when the person enter into the system it is very important that that person is able to create a positivity around because you know even if the person is competent but we are not coming with the right attitude that's also a huge huge loss to the to the system एंड सो सो दैट्स दैट्स ट्रू इसमें मेरा एक और टेक है सर इसमें जैसे फॉर एग्जांपल एटीट्यूड एक्चुअली मैटर्स जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके ऑफिस में जो uh, मान लो एक uh, एक नॉर्मल सा वर्कर है चाय वाय के लिए आता है जैसे हमने ऑफिस में रखे होते हैं चाय वाय पानी वानी देता तो रहता है वो भी रोज देखता है आपको आपने किस लिए रखा है क्योंकि नेचर अच्छा है वो तो दो दिन में निकाल दो आप सबसे पहले तो उसी का नेचर देखते हैं हम कि कितना अच्छा है नेचर वाइज स्ट्रॉग है तो उसका एटीट्यूड में तो कभी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है सर गुडीट्यूड का है उसको भी आप कॉन्स्टेंटली एक चीज़ वो देखता रहेगा ना सीखता रहेगा वो भी उस चीज़ को सीख जाएगा hmm. वही सेम चीज़ को hmm. तो मैं एक जगह पे कुछ पढ़ भी रहा था तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि एक बारी कुछ ऐसा चीज़ हुआ था कि यू नो किसी नए बंदे का रिक्रूटमेंट हुआ था hmm. तो ही वॉज डूइंग सम काइंड ऑफ अ वर्क तो एक स्वीपर था वहाँ पे वो बहुत टाइम से काम करता था एंड उसका जो मैनेजर था वो उसका यू नो पी मान लो या जो भी मान लो उसके साथ रहता था तो उससे कभी कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऐसी चीज कर भी सकता है okay. इंसान mm -hmm. की मैं ऐसे ऐसे करो वो देख के ना दस सालों में अच्छा है, mm -hmm. उसको भी वो चीज आ गई सो अल्टीमेटली मैंने मैं को याद नहीं आया वेयर आई प्रेफर गाय को ज्यादा प्रेफर करा बिकॉज कैंडिडेट देंडिडेट क्योंकि जो सीखना है ना अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो वो आप सीख तो जाओगे एंड ये तो बहुत ट्रू स्टोरी है कि आप जो भी सीख लेके आ रहे हो एंड जो आप यहाँ पे करोगे मोस्टली केस में थोड़ा सा डिफरेंट रहता है बिकॉज यू कैनोट बी लाइक कि मैंने एक्स वाईजी कंपनी में ये काम किया था तो आपकी एबीसी कंपनी में भी एग्जैक्ट सेम होगा हो ही नहीं सकता भले ही आप वहां पे सेल्स करते थे यहाँ पे सेल्स कर सकते थे चेंजेस तो डेफिनेटली होंगे Absolutely. या तो वो किसी और चीज की सेल्स ही है किसी और चीज की सेल्स है चेंजेस तो रहेंगे तो एटीट्यूड इज अ की अगर आपको एक थोड़ा एटीट्यूड यू नो बहुत अच्छा है सो उसमें बंदा एक पल के लिए ये भी सोच लेता है चले इसे नहीं आता ना तो सीख जाएगा बट mm. टिका रहेगा या फिर अच्छा पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखेगा या फिर लर्न mm. करने में इसका यू you नो know, काफ़ी ज्यादा इंटेंट है सो दैट्स दैट्स अ वेरी वेरी फेयर पॉइंट वेरी वेरी फेयर पॉइंट एंड इनफैक्ट दैट दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल यार ट्रू सो व्हाट यू वांट टू सजेस्ट टू आर स्टूडेंट्स लाइक यू हैव स्पेंड दैम यू हैड अ इंटरेक्शन विद सो वट्स यूर सजेशन टू दीज गली ग्रेजुएटिंग एन अयर ऑर्सो सी आई गेस मेरा इंटेंशन uh, दोनों साइड में है कि अगर आपको जॉब लेनी है तो जॉब ना पैसे के इंटेंशन से मत जाओ यार मतलब आजकल बच्चे क्या करते हैं नाइनटी परसेंट बच्चे आर लाइक कि आप बारह लाख की uh, जॉब से नीचे नहीं जाऊंगा दस लाख की जॉब से नीचे नहीं जाऊंगा आठ लाख की जॉब से नीचे नहीं जाऊँगा अरे नहीं यार ये डिलॉयड बड़ी बड़ी कंपनी में आठ लाख के नीचे नहीं जा सकता यार इतना पैकेज नीचे दे फोकसिंग मोर ओवर मनी या तो ये हो गया है या तो देर लाइक की यार जॉब कौन करता है धंधा करूंगा अपना बिजनेस करूंगा अपना तो एम लाइक कि पहली बात तो जॉब को ऐसे डिग्रेड करने की कोई जरूरत है नहीं इट्स वेरी वेल जॉब बिकॉज कि दुनिया में सारे स्टार्टअप खुल गए तो तो फिर mm -hmm. करा लो काम mm -hmm. कोई बंदा नहीं है आपके पास जॉब right, करने right, के लिए तो दैट्स वेरी जॉब नंबर नंबर वन थिंग आप जिस तरीके से जाते हो ना वो मैटर करता है mm -hmm. आधे से ज्यादा दुनिया जाती है पैसे के लिए एंड छह महीने बाद उन्हें अपग्रेडेशन चाहिए कि भाई अब छह लाख हो गया यार मुझे बढ़ाना है नहीं तो मैं कंपनी स्विच मारता हूँ तीन महीने के अंदर स्विच मार लेगा फिर नेक्स्ट तीन महीने फिर स्विच मार लेगा आप इंटेंशन से जाओ कि अगर मैं इस कंपनी को ज्वाइन करो तो मुझे वीपी बनना है या मुझे सीईओ बनना है या मुझे सीईओ बनना है नहीं। वो इन्हें एक अच्छी इंटेंशन कि आप एक्चुअली में अपनी ग्रोथ के लिए जा रहे हो वही तो एक भी कर है। आपकी ग्रोथ हो साथ में का। तो का देख सकता हूं

स्टूडेंट इज लाइक आज के टाइम पे तो या तो मैं मैं तो स्टार्टअप भी करूंगा कंसल्टिंग में जॉब भी कर जाऊंगा जॉब में जाएगा तो शिफ्ट मारता रहेगा सो so, वो रीजन बहुत क्लियर होना चाहिए आई गेस तो एक चीज तो मैं यही बताना चाहूंगा कि, कि अगर जॉब इज ऑल्सो वेरी रिप्यूटेबल मतलब ऐसा नहीं है कि फैंटेसी वर्ड स्टार्टअप्स में जाना है तो इट्स ऑल्सो वेरी रिस्पेक्टेबल बट आपको क्लियर होना चाहिए आपको किस लिए जाना है तो वो क्लियर करके जाओ कि यार मेरे को एक्चुअली में इस कंपनी में बहुत बड़ी पोजिशन में जाना है उसके लिए फिर फाइट करो सिर्फ उस गेम में मत जाओ मुझे हाइक चाहिए हाइक चाहिए हाइक चाहिए हाइक चाहिए यार अस्सी परसेंट लोग हाइक पे जा रहे हैं यार Hmm. तो एक्चुअली मगर कुछ एडिशनल वैल्यू करना है उस कंपनी को भी ग्रो करना है जा रहे हो कंपनी की ग्रोथ के लिए जा रहे हो अपनी ग्रोथ के लिए जा रहे हो तो अच्छा सोच के जाओ फाइट करो अच्छी कंपनी के लिए करो बैठो देन ग्रो टिल दी एंड जाओ अच्छी अच्छी चीज के लिए फाइट करो तो एक तो ये इंटेंशन है जॉब के लिए सेकेंड अगर स्टार्टअप्स में है तो स्टार्टअप्स को बिकॉज थोड़ा सा फैंसी वर्ड कहा जा रहा है आजकल की मतलब स्टार्टअप कर लिया तो यार आज के टाइम पे फाउंडर लगाना थोड़ा सा एक फैंसी वर्ड हो गया है बट उसमें एक्चुअली में मतलब लोगों लो को दिखता नहीं है बट इट्स इट्स अबेट हार्ड बहुत सारी चीजें होती हैं जो बहुत डिफिकल्ट होती हैं पर्सनल लाइफ की बैंड बजी होती है कुछ होती नहीं है दोस्त बाग कोई होते नहीं है नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे आपको आप एक्चुअली में स्ट्रगल करते हो वो ना बस चार पाँच परसेंट ही है आपकी लाइफ का जिसमें आपको थोड़ा ऐसा फील होता है कि मेरे नीचे लोग काम कर रहे हैं मैं लेटर्स दे रहा हूँ <laughs> मैं सैलरीज दे रहा हूँ वो चार परसेंट जर्नी का चार पाँच परसेंट होगा बाकी जो नाइनटी फाइव परसेंट है ना वो यही है एक तो कि मतलब कल क्या करना है परसों क्या एड ऑन करना है यार ग्रो नहीं हो रहा पैसे भी डाल दिए इन्वेस्ट भी मारना है कंपनी इन्वेस्टमेंट भी आनी है आर लॉट मेनी थिंग्स ओवर एंड लोग क्या करते हैं तीन महीने करके फिर दे शिफ्ट तो आई बिलीव मैं शायद इसमें गलत भी हो सकता हूँ वो भी हो सकता हूं बट मेरे से छोड़ा नहीं जाता कभी नहीं। अब मैं घुस गया तो फिर मैं कहीं ना कहीं से इसमें कुछ निकालूंगा ही सही नहीं। नहीं। बस बस मैं ये चीज क्लियर करके घुसा था कि मेरा डोमेन एजुकेशन है अब साला मैं एजुकेशन में भले ही जाके एंड में ना कोर्स भेजूँ बट मैं रहूंगा एजुकेशन में क्योंकि आई एम वेरी क्लियर की मुझे इस डोमेन में रहना है तो अगर आप स्टार्टअप जा रहे हो तो अपना डोमेन क्लियर कर लो फिर हिलना मत कि भाई एटलीस्ट

so it's very difficult for you to you know uh, your biases and heuristics starts coming into it mm. no no that's the that's the way it, it is going to work so that's that's so true yeah. so anything else you want to add on on to that part सो अगेन आई गेस स्टार्टअप में अगर फैंसी ना रहे क्लियर रहे डोमेन ही है उसके बाद तो आपको आइडिया जितना शिफ्ट करना है करो एंड बी क्लियर विद अ डोमेन एंड फैंसी वर्ड के लिए एंटर मत करना अंदर बहुत हार्ड है यार तो मतलब इट्स बेटर कि आप इतनी अपनी इस हार्ड लाइफ से बेटर या तो कुछ और यू नो मेक श्योर करो कि क्लियर रहो तो यहाँ पे एक्चुअली यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय योर ओन तो बहुत सारी चीजें हैं जो डिफिकल्ट रहती हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ मेकिंग अ टीम फाइंडिंग एन ऑफिस यू डू एवरीथिंग यू डू इवन अप एनीथिंग बाई योर इन द स्टार्टिंग सो so क्लियर रहना कि आना है एंड आई आई बिलीव मैं बस एक ही चीज़ में पर बिलीव करता हूँ कि कॉन्टीन्यूटी रखना एंड भले ही आप एक दिन यू नो मंथली में कुछ नहीं कमा रहे दो महीने के लिए कुछ नहीं कमा रहे हैव दैट कॉन्टीन्यूटी आएगा hmm. लगा के रखो आएगा बस वो थोड़ा सा ना एक एक वो स्पिरिट होना चाहिए वो एक एंट्रप्रनोर में वो एक्चुअली में वही होता है बस एक एंट्रप्रनोर में hmm. हमें और कुछ नहीं आता <laughs> हमारे अंदर बस एक स्पिरिट होती है कि यार एक दिन चलेगा

आपको लोगों को समझना एक बहुत बड़ी स्किल है आई mm गेस -hmm. मुझे नहीं लगता कि ऑब्वियसली किसी बंदे ने हंड्रेड परसेंट क्रैक करा होगा कभी इस को वो बंदे की स्किल को समझना सीख जाए आर यू रेफरिंग पीपल मैनेजमेंट नॉट एग्जैक्टली पीपल मैनेजमेंट बट रेफरिंग की आपको समझ में आए कि वेदर दिस पर्सन आप उसको कैसे गाइड कर सकते हो कैसे उसके साथ वर्क कर सकते हो लाइक पीपल हैंडलिंग कह सकते हो थोड़ा सा people people in, skills? People skills कि okay. आप उनको थोड़ा, आपको उनको समझना है mm -hmm. कि like you know, you know, ये आपकी का member बन सकता है mm -hmm. he's, he's a good guy, आपके mm -hmm. साथ कितना वर्क कर सकता है कितना लॉन्गर होता है mm -hmm. तो वो सारी चीजें आपको ना धीरे धीरे समझ में आती हैं तो अगर लीडरशिप की बात करूँ तो आई विल डिफाइन अ पर्सन हु कैन एक्चुअली यू नो वर्क मोर यू नो मोर ओवर दी साइड ऑफ द टीम टीम के बारे में सोचे कि टीम एग्जैक्टली uh, exactly, टीम के लिए ग्रोथ क्या है अभी mm -hmm. mm -hmm. उनके लेवल पे उनकी ग्रोथ डिफाइन करके उनको सपोर्ट करे दिस okay. इज एग्जैक्टली योर ग्रोथ इज बिकॉज आई गेस स्टार्टअप में तो दिस इज वट आई फेल सर कि अगर वो करंटली मेरे पास आ रहे है तो मैं पैसा तो दे नहीं सकता उसे इतना ज्यादा वो एक ही चीज के लिए आ रहा है या तो उसको एज अ फाउंडर आप अच्छे लगे हो या फिर उसको ऐसा लगे कि यार एक्चुअली मेरा यहाँ पे ना कुछ बेटरमेंट हो सकता है मैं सुधर सकता हूँ आई कैन बी द बेटर पर्सन सो उसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एज अ लीडर आप उनके अंदर उनका इनर पोटेंशियल क्लियर करो आप उसको बताओ कि तू बहुत बड़ा आदमी है नहीं। तुझे नहीं पता कभी नहीं पता चलेगा तेरे को मैं बता रहा हूँ मैंने बात कर है सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर विद विद दी यू नो विदो इन योर टीम तो मेरी जो भी टीम है मैं उनको बहुत क्लियरली बोलता हूँ mm. तेरे में कुछ तो बात है mm. मतलब मैं मान गया मतलब जो तू करता है ना आज के टाइम पे तो दैट्स यू हैव टू डील विद योर टीम सो उनका जो पोटेंशियल होना चाहिए वो आपको बहुत क्लियर होना चाहिए mm. कभी ऐसे क्लियर फेस नहीं बट यू हैव टू बी मेकिंग देम दिस क्लैरिटी कि यार आपके अंदर काफी पोटेंशियल है यू कैन डू समथिंग बिग कॉन्सेंटली गाइड करो उनको उनका पोटेंशियल करो वो बंदे को अच्छा लगता है दैट्स अ लीडर डस क्या वो उनकी टीम को उनका रियल पोटेंशियल पता चलाओ, पता करवाओ एंड मेक श्योर की वो ग्रो करे उसके mm, में ट्रू सो दैट्स उसकेट्स गोल इज सो थैंक यू लकी फॉर सच अ कैंडिड कन्वर्सेशन आई रियली अप्रिशिएट एंड आई गेस देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट फॉर आवर लर्नर्स टू लर्न फ्रॉम इट